हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली के सबसे इंटरटेनिंग चैनल, इंटरटेनिंग तो कम होता जा रहा है, कंट्रोवर्सियल ज़्यादा हो रहा है, द हंगामा फिल्म्स में। मैं हूँ राहुल शर्मा। तो जैसा कि मैंने मना किया था पिछली बार कि भैया वीडियो तो मत बनाना, ये सब चीज़ें खत्म करो, जो गया जाने दो, पर लेकिन कल मैं इंस्टा पे लाइव आया तो सारी चीज़ें क्लियर करी थी, उसके एक घंटे बाद ही देखता हूँ कि वीडियो आ गई। पता नहीं लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है सब चीज़ें करने में। वीडियो आई थी कल आयान के चैनल पर कि हमने जो सारी चीज़ें करी, मेरे को ऐसे करके भगाया वहाँ से, कोई वहाँ वैल्यू नहीं रखता, कोई इज्जत नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें में हमारी वीडियो नहीं आई। और मेन मुद्दा जो था कि मेरी वीडियो रुकवा के अपनी वीडियो करवाई, जो कि मेरी वीडियो मेन स्पॉन्सर थी, ठीक है, उसकी पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या उसमें पॉइंट थे पूरे। तो अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से आप देखोगे, जैसे स्टार्ट होती वीडियो, एक मिनट 30 सेकंड के आसपास उसने बताया कि भाई मैंने उस वीडियो को एडिट करके प्रॉपर हाईलाइट करवाया कि मैक तोड़ा है, तो वो हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत थी। इस वीडियो के सबसे जो फर्स्ट सेकंड का जो पार्ट है इंट्रो में, ट्रेलर में सॉरी, आप लोगों ने देखा हो कितना हाईलाइट किया गया है कि मैंने मैक उठा के मारा, तोड़ा, उसको कितना हाईलाइट किया गया है कि मेरी गलती दिखाई जाए कि मैंने मैक तोड़ा। तो अब आप जरा आयन की वीडियोस देखो, कुछ जब भी कोई एक्सपोज करता है, कोई भी चीज़ें करता है, किसी के साथ भी कोई प्रैंक भी करता है, तो उसमें स्टार्टिंग में ट्रेलर क्यों होता है, वहाँ क्यों हाईलाइट होता है? अभी वीडियोस देखो, बता देंगे ना, अभी नहीं बता रहे। तो आपने ये सारी वीडियोस देखी तो इनमें भी हाईलाइट है ना, इसका मतलब कोई मेन पॉइंट होता है जो, और तुम्हारी तो खास सबसे बड़ी गलती थी मैक तोड़ना, तो वो तो ऑब्वियसली हाईलाइट करके दिखाना इसलिए पड़ेगा ताकि लोगों का ध्यान वहाँ जाए। हाँ भाई, मैंने ध्यान देने के लिए करवाई है वो एडिट, इसलिए करवाई है, क्योंकि रॉ कर देता तो उसमें मज़ा नहीं आता ना लोगों को, जैसे तुम अपने प्रैंक में मज़े डालने के लिए करते हो, तो ऐसे ही मैंने किया है वो। तुम करना बंद कर दो, मैं भी बंद कर दूँगा, ठीक है। उसने बोला 2 मिनट 5 सेकंड पे कि अपने कमेंट चेक करो, पता चल जाएगा लोग क्या बोल रहे हैं। लोगों ने आपकी वीडियो देखी और कमेंट जाके चेक करो भैया, आपने एक बार कमेंट सेक्शन में जाके चेक करो कि किसकी गलती है। तो जब ये वाली वीडियो लोग देखेंगे तब अपने कमेंट चेक करना, तब लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि जो कहानी गीत गाए जा रहे हो कि हाँ मेरी वीडियो रुकवा के कराई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इंपॉर्टेंट क्या थी वो आगे आपको पता चलेगा, वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट थी वो वाली और मेरी कितनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बस ये कह रहा है हमेशा अपने आप को आगे रखते हो, अगर हम हमेशा अपने आप को आगे रखते तो आज तेरे 10 से 12 चैनल नहीं होते हमारे पास, 10 से 12 चैनल मेरे होते, मनीष के अलग अलग इंडिविजुअल चला रहे होते, हर किसी को लाला के हम तेरी टीम में भर्ती नहीं कर रहे होते, अगर हमें इतने ज़्यादा इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता किसको आगे रखते हैं किसको नहीं रखते, ठीक है। एक बोला इसने 3 मिनट 15 सेकंड पे कि जो एग्जांपल दिया उसने, जो मैंने बोला था कि भाई हमने भी तो सपोर्ट किया था, और आप बोल रहे हो कि इन लोगों के लिए कि सपोर्ट आयान ने किया था, सो सपोर्ट तो हमने भी किया था, आपने ये वर्ड बोला अपने इंट्रो में। तो भाई जी आपको एक बात बताऊं, जो चलना सिखाता है ना वो माँ बाप होता है, आपको पता है, बाकी इधर उधर वाले चाचा ताऊ होते हैं। पहली बात, एक तो पता नहीं क्या बोलूँ इसको, बच्चा बुद्धि एकदम ना, समझ में नहीं आता। मैंने बोला था तेरे लिए कि भाई मैंने भी तो तेरे को सपोर्ट किया था, मैंने उन लोगों को नहीं बोला टीम में तेरे बच्चे हैं कि भाई उनको सपोर्ट किया, कहानी बता रहा है कि मैं जो चलाने वाला होता है माँ बाप होता है, बाकी सब चाचा ताऊ होते हैं, तो हम चल उनके लिए चाचा ताऊ हैं, तेरे लिए हम कौन है फिर? तेरे को चलाना उन बच्चों ने सिखाया, किसने सिखाया, किसने बोला भाई? तो मैं तेरे लिए बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा, ये सब बातें मत कर, मैं उन बच्चों को नहीं कह रहा कि उन्होंने तेरे को सपोर्ट करा तो हमने भी तो किया था, मैंने तेरे लिए कहा था कि मैंने भी तो तुझे सपोर्ट किया, जिनको तूने सपोर्ट किया वो तुझे नहीं छोड़ रहे, लेकिन तुझे जिसने सपोर्ट किया तूने क्या किया उनके साथ, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, 3:48 पे कह रहा है कि वही बात थी सेम, एडिट कराने की क्या जरूरत थी, मैंने आपको बता दिया क्या जरूरत थी, बिना एडिट कराए हाईलाइट नहीं होती ना चीज़ें, जैसे कि तुम लोग हाईलाइट कर रहे हो कि मेरा काम था, काम रुकवा दिया, इज्जत नहीं करते, वो नहीं करते, ठीक है। स्पॉन्सर का बताया 4:05 पे कि स्पॉन्सर हमारी मेन कमाई है, स्पॉन्सर वीडियो थी। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी वीडियो वहाँ लगी हुई थी और स्पॉन्सर वीडियो थी वो, जो कि स्पॉन्सर वीडियो आपने रुकवाई मेरी, स्पॉन्सर होता है, हमारी कमाई किससे है? स्पॉन्सर से। ये जो पूरा पंगा हुआ था वो होता 4 तारीख को, 4 सितंबर को, और 5 सितंबर को हम लोग गए थे लखनऊ, सबने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह भी मैंने डाला हुआ था। तो 4 तारीख को जब ये पंगा हुआ उस दिन था सैटरडे, अगर भाई तुझे भी पता होगा बायनमो वाले से डीलिंग करता है और हर एक यूट्यूबर तो जरूर जानता है बायनमो को, कि सैटरडे संडे हमारे यहाँ बायनमो कभी भी स्पॉन्सर वीडियो अप्रूव नहीं करता, सैटरडे संडे वहाँ ऑफ रहता है। तेरा काम फ्राइडे को होना था, तूने खुद बोला सिस्टम में दिक्कत की वजह से वीडियो नहीं हो पाई, तो सैटरडे 4 तारीख और संडे
दो दिन तो किसी भी हाल में अगर वीडियो एडिट भी हो जाती तो काम नहीं होना था, इस वजह से मैंने वीडियो रुकवाई थी, क्योंकि दो दिन उस वीडियो का कोई मतलब नहीं था। फिर मंडे को अप्रूवल होना था उसका, तो ज़रूरी फिर कौन सी वीडियो आ गई उसके बाद प्रायोरिटी वाली वीडियो जो कि मेरी थी, ठीक है, और जो कि मैं अपने ही एडिटर से करवा रहा था। ये सबको पता होगा जितने लोग जहाँ देखते हैं कि हर टीम के लिए एक एक एडिटर कन्फर्म है वहाँ। आयान के लिए हर्ष है, मनीष के लिए विनय है और ऋतिक मेरा एडिटर है। उसमें आपने देखा होगा वीडियो में मनीष, उसने आयान ने आके पूछा भी हर्ष से कितनी वीडियो की, उसने बताया 4 वीडियो हो गई। तो सोचो कि उसके काम को प्रायोरिटी देने के लिए मैंने अपना एडिटर उल्टा और उसको दे रखा था। फिर जब उसके काम की प्रायोरिटी नहीं रही, एक दिन पहले नहीं हुई, अब दो दिन का टाइम है, तो फिर तो प्रायोरिटी में मेरा काम आ गया ना, और वो मैं अपने ही एडिटर से करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने उसका काम रुकवा दिया, उसका काम ऑलरेडी हर्ष कर रहा था, या वीडियो में देख सकते हो, ठीक है, या नहीं तो आप ये क्लिप देख लो जाके। वो तो वीडियो डली हो फेसबुक पे? हाँ सुबह यार। हर्ष कितना काम हुआ? 1 बजे यार। 4 वीडियो। हर्ष तेरा करके बताएगा। 4 वीडियो हो गई। 4, ठीक है। और 5:05 पे इसने खुद बोला था, जो लोग कह रहे हैं ना कि पहले मैंने उसको भगाया, मैंने उसको बोला, 5:05 पे उसने खुद बोला कि मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे काम, मेरा बोलना बनता है यार, मैं कब तक झेलूंगा ये चीज़, ये तुम लोग भी देखते हो वहाँ पे। तो पहले मैंने तो पहली बात तो बोला नहीं, और ऑब्वियसली बात है अगर गुस्से में तो मैक तोड़ सकते हो, तो मेरे को भी उस टाइम गुस्सा था। अगर मेरे को कोई बोलेगा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं इतना भला नहीं हूँ कि मैं उस टाइम अपना सारा गुस्सा बोल के तुम्हें रोकने के लिए लग जाऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या बोला, 7:07 वही बात होगी, सिस्टम उनके पास भी, आप उनसे करा सकते हो। 10 मिनट तो आप भी रुक सकते थे, ठीक है, और भी सिस्टम है, 5-5 सिस्टम है, आप उन्हें बोल सकते थे। अगर आपकी अर्जेंट वीडियो तो मेरी तो हो रही थी, आपकी अगर अर्जेंट थी तो उन 5 जो सिस्टम थे आप उस पर भी करवा सकते थे। हर्ष ऑलरेडी तेरी वीडियो कर रहा है, एक बंदा हमारे पास अनुज है वो एडिटिंग उसकी वाइंस की करता है, सन्नी फेसबुक करता है, विनय मनीष की करता है, ऋतिक मेरी ही वीडियो करता है, वो तेरी करने लगा, मैं किसी और से करा लेता, फिर मतलब मैं मनीष का काम रुकवा देता। ऑलरेडी तेरे लिए एक एडिटर है, दूसरा एडिटर मैंने अपना दे दिया, तीसरा एडिटर फिर मैं देखता। तो सोचो कि एक बंदे की टीम के लिए मैं दो दो एडिटर दे रहा हूँ, प्रायोरिटी किसको दे रहा हूँ फिर मैं? आयान को ही दे रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मुझे पता कि ठीक है उसका काम इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दिया, वरना प्रायोरिटी देनी होती तो मैं ये करता, अपने एडिटर से अपना काम कराता और उसके से भी अपना काम कराता फिर मैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था, लेकिन चीज़ों को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा था। और 8:01 से कह रहा है, 1 मिनट पे कह रहा है कि कितना पुराना बंदा हूँ मैं, आप सोचते जरा, मैक तोड़ भी दिया तो क्या बात हो गई। तुम कह रहे हो मैक चाहिए अभी चाहिए, जो सबसे पुराना बंदा है उसने गुस्से में तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी चाहिए, उसको अभी गुस्सा था ना, मतलब मैं टीम का पार्ट नहीं हूँ आपकी। तो जो सीनियर लेवल पर बंदा होता है ना, जब आप किसी कंपनी को मैनेज कर रहे हो, तो यहाँ सिर्फ चैनल की बात नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ सोचो, कोई भी घर परिवार में अगर आप बात देखोगे, घर के बच्चे तो चलो ठीक है लड़ाई कर सकते हैं, ना समझ है, छोटी मोटी चीज़ें करते रहते हैं, अगर घर का बड़ा, खासतौर से ऐसे टाइम पे जब वो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, जब आप फाइनेंशियली बहुत डाउन हो, काम आपका डाउन हो, जो कि इसने बोला भी है, इसने बताया भी है, 9:58 पर आप जाके देखना उसकी वीडियो में कि हाँ कंपनी, माना कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी डाउन जा रही है, तो ऐसे टाइम पे जो सीनियर बंदा होता कभी ये सब हरकतें नहीं करता। हाँ मानता हूँ चलो लॉस में जा रही है कंपनी, कुछ भी जा रही है, पैसा नहीं है, बट इस तरह से हावी कोई नहीं होता कि आप उसका 1-1.5 लाख का और नुकसान कर दो। आप एक बार अपने घर में ना 10 रुपये कोई चीज़ तोड़ तोड़ के देखना, तो घर में पैसे ना हो तो आपके जो पापा दिए ना वो आपको बता देंगे क्या करते हैं उस टाइम पे। मैंने तो सिर्फ एक बार कॉलर ही पकड़ा था, मैक तोड़ना मजाक बना रखा है कि हाँ किसी का मैक तोड़ दो, वो चीज़ें कर लो, आपका ही काम हो रहा था वहाँ पे तो, और शायद वो 10 मिनट अगर वो लड़ाई नहीं होती तो मेरा काम हो जाता और वो तेरी वीडियो भी एडिट हो जाती, जो शायद 2 दिन बाद देनी थी, इतना कोई अर्जेंट नहीं थी वो वीडियो, अर्जेंट थी 1 दिन पहले जो नहीं हो पाई थी, उसमें मेरी कमी नहीं है, वो सिस्टम की गड़बड़ थी वो। और 8:43 वगैरह आज गिरवान पकड़ी है, कल को शायद निकाल भी सकते थे। आज मेरा गिरवान पकड़ा है, कल को हाथ भी उठेगा, क्या पता लात मार के निकाल दिया जाए, तो इससे अच्छा खुद छोड़ना बेटर है। आज से 2 साल पहले मैंने इसमें एक प्रैंक में थप्पड़ मारा था, ठीक है, तब क्यों नहीं निकला था ये? आज बोल रही फिर बीच में आकाश कहाँ जा रही है, मना किया ना, जो रीजन है रीजन बता, फालतू चीज क्यों बोल रहा है? तब क्यों नहीं निकला था? क्योंकि तब इसका चैनल चलना स्टार्ट हुआ था, तब वो जो पैसे को कहते हैं ना पैसे की खनक सबसे ज़्यादा होती है, तब वो खनक नहीं थी, तब उस वीडियो में देखे ना उसने कि भैया आप मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं आपके साथ रहूँगा, क्यों रहेगा भाई? आज गिरवान पकड़ने पे क्यों चैनल छोड़ दिया? क्योंकि आज पता है कि आज मैं अलग हो सकता हूँ, तब आज मैं अलग से कमा सकता हूँ, उस टाइम नहीं पता था। ये बातें मेरे को बोलनी नहीं चाहिए लेकिन बोलनी पड़ रही, क्या बताऊँ कि फालतू की बातें बहुत करी इसने उस वीडियो में ना, मैंने इसलिए पहले कहा था भाई वीडियो मत बनियो, कोई फालतू बातें मत करियो, अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें करना। और 9:18 पे कह रहा है कि जब मैंने उसको बोला भाई सिस्टम तोड़ दिया कि भाई सिस्टम ले आओ अपना, हम किस लिए सिस्टम ले आए, मैं परसेंटेज दे रहा हूँ, मैं मतलब मैं काम आपके पास कर रहा हूँ, सिस्टम में अपना लेके आऊँ, परसेंटेज मैं आपको दे रहा हूँ, सिस्टम में अपना लेके आऊँ, तो अगर परसेंटेज दे रहा तो उसी बात के लिए हमने सिस्टम दे भी रखा था ना।
हमने सिस्टम दे भी रखा था उस बात के लिए, जो हर्ष करता है वो तेरे से तो नहीं मांगा था हमने सिस्टम ला के दे दे, लेकिन एक तो कंपनी डाउन है, लॉस में है ऑलरेडी, एक तेरे सिस्टम पे काम चल रहा है, दूसरा सिस्टम जो कि मेरा है, मेरा मतलब टीम वाइज मैं बता रहा हूँ, ये मत कहना कि मेरा है, मतलब जो मेरी टीम का है तुम उसको अगर तोड़ दोगे तो क्या मैं बोलूँगा नहीं भाई ठीक है मैं अपना सिस्टम ले आता हूँ मैं, या मैं अगर तोड़ देता तो फिर क्या तू मेरे को ये बोलता है हाँ भाई ठीक है आपने ही तोड़ा है तो चलो मैं आपके लिए सिस्टम ला देता हूँ, जबकि मेरे पास पैसे नहीं है कहीं से भी लाऊंगा मैं, बच्चों वाली बातें। और सारी बातों की एक बात वही बात है कि जब घर परिवार में अगर लड़ाइयाँ कुछ भी अगर होती हैं, घर के दो सीनियर मेंबर आपके माँ बाप या जो भी कोई है सीनियर मेंबर अगर लड़ाई करते हैं और सबको बताया कि आपका घर जो लॉस में जा रहा है, आपके पास पैसे नहीं है आपके डेली यूज़ के खर्चे चलाने के लिए भी, उस टाइम पर आप 1.5 लाख का नुकसान कर देते हो, ठीक है। और जो किसी ने खुद बोला भी 9:58 पे कि हाँ कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है। और रही बात सुलह करने की, जो बोलता है कि नहीं बैठ के हम एक बार बात कर लेते, इसने बोला है कि भाई बात के प्यार से समझाते, पहली बात तो इतने बड़ी अगर कोई लॉस करता है तो उस टाइम पे आपको पता है कैसे गुस्सा आता है, जो कि मेरे को आया, ठीक है। और रही बात बात करने की, तो आप एक बार ये क्लिप देख लो, ये तब की बात है जब मैं लखनऊ में था, इसकी वीडियो डली थी और मैं रास्ते में वहाँ से आ रहा था, मुझे जब पता चला काफ़ी लोग, पहले तो मैसेजेस वगैरह आने लगे, एक दो लोगों की कॉल आई कि भाई आयान ने क्यों छोड़ दिया, हालांकि उसने लड़ाई हुई थी जब एक दो दिन पहले, तो यही इसने बोला था ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, तो मुझे ये था कि चलो अब लखनऊ तो मैं जा रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग अगले दिन हम निकल गए थे, तो बाकी आके शॉर्ट करेंगे जो भी बातें हैं, तो मैंने इसको खुद कॉल किया था, वो आप रिकॉर्डिंग सुन लो। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या हाल है भैया? ठीक है बताओ कैसे खोल गया? कैसे खोल गया? अरे हमने वीडियो देखी भाई, मतलब क्या फाइनल सोच लिया क्या? हाँ क्या मतलब दो दिन पहले बात थोड़ी सी सोच लिया, पर मैं पब्लिक को बता दूँ, वेट निकाल दिया, तो थोड़ा डिस्कशन कर लेता भाई एक बार बैठ के, पहले बातचीत कर लेते, मैं पीछे अगले दिन लखनऊ चला आया और तूने तो इंतजार भी नहीं किया, मतलब आऊँ यार आके कम से कम बैठ के बातचीत करते। अब क्या करना है, करना क्या है, उसी दिन चीजें होगी, करना क्या है, कुछ और तो करूँगी, वीडियो डालने से पहले डिस्कस तो कर लेता ना, कम से कम वीडियो डाल दिया अचानक से पता चल रहा है भाई, चलो तो हम भी फिर अभी से क्लेरिफिकेशन दे देना भाई, फिर लोगों को पता चल जाएगा। हाँ भाई मेरे साथ पूरी टीम ने भी छोड़ दिया। देखा मैंने भाई, अच्छी बात है, टीम ऐसी सपोर्टिव होनी चाहिए। चलो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल सही का साथ देना चाहिए, कोई नहीं, चलो ध्यान रखो, बढ़िया करो, अच्छे से काम करो, ठीक है। ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग सुनी, लड़ाई भी इसने करी, काम इसका कोई ज़रूरी नहीं था वो मैंने आपको बता दिया, नहीं हो तो इसके कमेंट सेक्शन जाके पूछ लेना कि सैटरडे संडे था उस दिन 4 तारीख को, कोई स्पॉन्सर अप्रूवल नहीं देता है, कोई का पता नहीं, बनोमो नहीं देता, इसकी बाइनमो की ही वीडियो थी, सैटरडे संडे यानी कि 2 दिन इसके पास थे, कोई अर्जेंट काम नहीं था, 48 घंटे बाद वो एडिट हो सकती थी, लेकिन मेरी अर्जेंट थी, ठीक है। और फिर मैं करवा भी रहा था, मैं अपने एडिटर से करवा रहा था, तो तुझे अगर ज़्यादा ही ज़रूरी थी तो अपने एडिटर से करवाता, जो कि हर्ष की तू पूछ भी रहा था, हर्ष तेरा एडिटर है, उससे करवा लेता जाके। और बाकी रही बात पहल की, इतना सब होने के बावजूद मैंने कॉल करी, मैंने बोला कि भाई लखनऊ आने से इंतजार कर लेता, आगे हम बात कर लेते, बैठ के बात करते, तो इसने खुद बोला था, आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, कि आप क्या बात करनी, मुझे नहीं करना, अपना अलग ही करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको जो बताई हैं, जो लॉजिक लगा सकता है, जिस जो कोई भी अगर माइंडेड बंदा होगा ना, वो ये सारी बातें देख के समझ जाएगा कि हाँ किसके काम को कौन इंपॉर्टेंस देता है, कौन नहीं देता। और पिछले आप हमें तो कितने 4-5 सालों से साथ में देख रहे हो, कितनी हम वैल्यूज़ को देते हैं ये सबको पता होगा, कोई ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ क्या हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मुस्लिम है, इस वजह से ऐसा निकाल दिया, तो मुस्लिम 5 साल पहले भी था, जब मेरे पास आया था ना, जब इसके पास कुछ भी नहीं था तब भी ये मुस्लिम ही था, तब इसने आके मुझे ये नहीं बोला था कि मैं पंडित हूँ कोई, जब मैंने इसको रखा था, तो ये सब फालतू की बातें ना करना जो भी लोग कर रहे हो, ठीक है। मेन काम की बात थी, मेरे लिए काम सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट होता है, 500 दिन 500 बार ऐसा हुआ है मनीष ने रुकवा के, लेकिन मनीष नहीं तो मैं अपना काम रुकवा के आयान का काम करवाता हूँ, जो कि उस दिन भी हो रहा था, आपने देखा होगा, हर्ष ऑलरेडी उसका काम कर रहा था, ऋतिक जो मेरा एडिटर है मेरी वीडियोस रोक के उसका काम कर रहा था, ये मोस्टली हुआ है, ठीक है। और जितना वो लोग कह रहे हैं कि हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा होती है, हम ही सफ़र करते हैं,
और बताए हुए कि भाई हमारी हर महीने में 20-20 वीडियो आती है, 25-25 वीडियो आती हैं, तो वो कैसे आ जाती हैं 20-20 वीडियो? एडिट होती हैं तभी आ जाती है ना। अगर 4-4, 5-5 दिन तुम्हारा काम रुकता तो 5 दिन में तुम्हारी वीडियो कैसे आ जाती तुम्हारी 20-30 वीडियो, और 12 चैनल है उसके। ठीक है, बाकी चलो फालतू बातें नहीं करते, जो सारी चीज़ें हो गई मैं तो ये चाहूँगा इसके बाद आप कोई वीडियो मत बनाना, क्योंकि मेरे को अगर कोई बोलेगा भाई जवाब देना पड़ेगा, और ना फिर लोगों को ये लगता है कि कोई भी एक कहानी गाने लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट काम था वो रुकवा दिया, लोग वैल्यू नहीं करते, वो नहीं करते, वो सबको पता है कौन कितनी वैल्यू करता है। आज तेरी गिलीवान पकड़ ली, जो कि मेरे हिसाब से तो सही था भाई, आपके घर में अगर कोई नुकसान कर रहा है आप उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकते एज एन सीनियर, तो फिर वो घर ही किस बात का, किस बात की फैमिली बोलते हो फिर आप? अगर आप घर में अपना नुकसान कर दो, आपके पापा अगर आपको पकड़ भी लें, आपकी कॉलर तक पकड़ लें, मैं तो थप्पड़ भी मार दें, तो आप मतलब ये कहो कि उनको उल्टा सीधा बोल के आप निकल जाओगे कि मेरी इज्जत नहीं करते, वो नहीं करते? इज्जत वो कहाँ थी जब पापा ने आपको पाला पोसा बड़ा किया? और जो भी मैं ये सब मैंने बोला है ना बाप बाप वाली, मैंने सिर्फ एग्जांपल दी, ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आयान सीनियर है तो उससे सीनियर मैं भी हूँ, यहाँ सारे लोग सीनियर हैं, जो 3-4 लोग जो सीनियर हैं, तो अगर हम लोग सीनियर हैं तो भाई सीनियर्स की लोगों को जूनियर की बात सुननी पड़ती है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा टाइम देखा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाप मैं हूँ ये सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया घर परिवार की, ताकि आप रिलेट कर सको इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो वीडियो को कर सको तो शेयर कर देना, अगर मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके आप ज़रूर बता देना अब ये मेरे कमेंट सुनने के बाद कि मैं ठीक हूँ या नहीं। ठीक है, बाकी बच्चे हैं बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिल पे मत लेना, माफ़ कर दो बच्चों को, लेकिन हाँ आगे से बच्चे ऐसी हरकतें ना करें, वरना हम तो बच्चे नहीं है तो गारंटी है। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।